मशीन रुक जाएगी। ओए, ओए होए, ओए कहाँ फंसा दिया? भतीजे क्या दिमाग लगाया है? इसके अंदर का पानी बर्फ का बन गया है। बस इसी की कमी थी। धुलाई, धुलाई, धुलाई। बहुत जल्दी क्या भागो? ओए खोजी सिंह, और यो के उल्टे सीधे नए एक्सपेरिमेंट करता रहे, और थारे इस नए नमूने ने पूरे शहर को परेशान कर रखा सर। अब तो चिप भी टूट गई मैडम जी, अब इस मुसीबत को रोकने का कोई उपाय नहीं है। उपाय तो बस एक ही है कि मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, मगर कैसे? आइडिया। ओए बचा लो कोई, ओए कोई तो बचा लो। क्या कर रहा है चाचू? बस देखते जाओ। कर राजा हूँ मैं, देख तो मेरी कैसी अच्छी खातरदारी हो रही है, थोड़ा और मजा ले लेने दे। चाचू आप समझ क्यों नहीं रहे? हटा टू टॉक्टिंग। टूना टूना तम्मा तम्मा। मेरा खाना कहाँ ले जा रहे हो? अभी तो मैंने ठीक से खाया भी नहीं है। चलो चाचू यही सही मौका है, भाग निकलते हैं। ओए भतीजे पहले मैं वो फल फ्रूट तो खा लूं, बहुत भूख लगी है, फिर चलेंगे। चाचू नहीं, चाचू रुको तो। छोड़ दो। अरे पुत, ये चाचा भतीजा यहाँ कैसे आ गए? मैं तो कहता हूँ आज वापस चलते हैं, कहीं लेने के देने में पड़ जाए। नहीं नहीं, हम वापस नहीं जा सकते, वरना ये जंगल के निवासी हमसे डरना बंद कर देंगे और हमें जंगल में मुफ्त का खाना मिलना बंद हो जाएगा। जूंगा 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 जूंगा। ओफ, पहले इन्होंने चाचू को अपना राजा बना लिया और अब ये चाहते हैं कि इनका राजा इस भयानक जानवर से लड़े। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या कर रहे हैं? मैं कहाँ फंस गया? ये जुगा जुगा तो मेरी चटनी बना देगा। ओ भतीजे, ओ भतीजे बचा। भागो मत वरना हम गिर जाएंगे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इसकी ऊंचाई कुछ ज्यादा ही लंबी है और इस जानवर की 6 आंखें क्यों हैं? वो भी 3 अलग अलग जगह पर। मेरे चाचू को परेशान कर रहे हो, ये लो।
अरे डग्गा, क्या कर रहे हो? जल्दी से ठीक से बैठ जाओ, वरना इन जंगल वासियों के सामने हमारी पोल खुल जाएगी। अच्छा, तो ये जग्गा मग्गा डग्गा है जो एक के ऊपर एक खड़े हैं और जुंगा जुंगा बनने का नाटक करके जंगल के निवासियों को डरा रहे हैं। अरे इस भतीजे ने क्या कर दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चाचू भागो। वाह वाह, करामाती पेंसिल, दिखा अपना कमाल। बैंक के सारे पैसे चलकर मेरे पास आ जाए। रहने दो चाचा, ये आपके स्पेशल पेंसिल के बस की बात नहीं है। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? चाचू, आपके हाथ में एक मामूली पेंसिल है, लगता है स्पेशल पेंसिल किसी गलत हाथ में चली गई है। हमें इन पैसों का पीछा करके उन चोरों तक पहुँचना होगा। चीटे, ये क्या कर दिया तुमने? पैसे लिखे इसलिए बैंक से कॉइन्स आ रहे हैं, रुपया लिखते तो नोट आते, अब इन चिल्लर का हम क्या करेंगे? अरे ये क्या, पैसे पेड़ पे नहीं उगते पर रास्ते पर खुले आम घूम रहे हैं। तुम्हारी सही जगह मेरी जेब में है। ये तो चीटिंग है। डंका ढोलकी, स्पेशल पेंसिल तो तुम्हारे हाथ लग गई, पर उसका सही इस्तेमाल करना तुम्हें नहीं आया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पैसे नहीं पूरा लॉकर ही मंगवा लेता और लिखता कि बैंक का लॉकर मेरे हाथ में आ जाए। बात तो ये सही कह रहा है ढोलकी। बैंक का लॉकर मेरे हाथ में आ जाए। कर लिया। इस लॉकर को मेरे हाथों पे से हटाओ। भतीजे, ज्यादा होशियार बन रहा है। हाँ, अब देख मैं क्या करता हूँ। चाचा भतीजा एक रस्सी से बंध जाए। चाचा और भतीजे पर एक रॉकेट का हमला हो। भतीजे, वो अब क्या होगा? चाचू, आप सांस अंदर खींचिए। जो भतीजे ने किया है। ओए बल्ले! मैच पे फोकस कर, मैच हमें ही जीतना है। ये हम चोर डाकुओं की इज्जत का सवाल है। ले भतीजे।
साथ ही चाचा भतीजे की टीम ने यह फुटबॉल मैच जीत लिया है। अब भतीजे मन ने तो यो मैजिक समझ ही नहीं आया। लंबी कहानी है बंदूकनी जी, शॉर्ट में बताता हूँ। तो ये एलियन की पावर थी और ये साथ खड़ा पप्पी नहीं एलियन है जो डॉग से डरता है। अब आएगा मजा। भतीजे लगता है एलियन प्लैनेट सिग्नल की रेंज में नहीं है। उस दिन जब सिग्नल गए तब एलियन प्लैनेट यहाँ इस जगह पर दिख रहा था। खोजी अंकल, और उस दिन टाइम क्या था? शाम के 8 बजे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक 8 बजे एलियन प्लैनेट फिर इसी जगह से गुजरेगा और 8 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है। और उन 15 मिनट में हो सकता है 1, 2 का 4, 5। यानी एलियन को ले जाएंगे हम और देखते रह जाओगे चाचा भतीजे। तुम मेरे दोस्त को कभी नहीं ले जा सकते।